नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती जो है उसके लिए सरकार की तरफ से जो है जल्द ही रिट फाइल कर दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे 11 अप्रैल को जो है एक शासनादेश आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो सरकार के न्याय विभाग के अपर विधि परामर्शी हैं उत्तर प्रदेश शासन के राकेश कुमार सिंह, उन्होंने महाधिवक्ता को जो है लेटर लिखा है। और साथ ही साथ जो सिंगल बेंच का 29 तारीख को जो ऑर्डर आया था, कट ऑफ जो 60 और 65 जो पासिंग मार्क रखे गए थे 69,000 शिक्षक भर्ती के यानी कि सुपर टेट के, उसको जो है सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। और 40-45 जो है पासिंग मार्क, 40% और 45% पासिंग मार्क रखे गए थे। तो उसमें जो है 11-88 जो याचिका थी उसमें जो है मोहम्मद रिजवान की टीम जीत गई थी। तो दोस्तों, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ पे ये लेटर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि महोदय, उपरोक्त विषय पर मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ कि उपरोक्त रिट संख्या यानी 11-88 में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा पारित जो 29 तारीख का आदेश है के विरुद्ध योजित होने वाली विशेष अपील में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी बहस करने हैं। तो आप कृपया प्रभावी पैरवी बहस करने का कष्ट करें। तो दोस्तों, महाधिवक्ता से कहा गया है कि जो ये अपील दाखिल की जाएगी इसमें जो है आप सरकार की तरफ से अपना अपना पक्ष रखेंगे। मुख्य स्थायी अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ आपको इस केस में ब्रीफ करेंगे तथा सुनवाई से अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, जल्द ही जो है आपको न्यायालय में ये रिट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो रिटों की संख्या है लगभग 11 के करीब हो गई है और इसकी सुनवाई जो है 14 मई को होनी है। तो दोस्तों, जो बीएड बीटीसी की तरफ से जो है याचिकाएं दाखिल की गई थी वो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी सुनवाई एक साथ टैग हो करके जो है 14 मई को होनी है। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से कब ये अपील दाखिल होती है और कब इनके अधिवक्ता बहस करेंगे यह भी जो है पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो है सही जानकारी मिल गई होगी। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।